प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा प्रश्नावली 9A। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके पहले के वीडियो में दस्ताभ्यास 8 हमने पूरा फिनिश कर दिया है, एक एक सवाल बता करके। आप ना देखे हो तो इसके पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो जो भी आप चैप्टर आप जो भी आपको अभ्यास ना आता हो, अभ्यास का नाम लिखिए, बाय इन्जॉय विथ आरसी सिंह लगा दीजिए, उसके बाद आपको सारी डिटेल, आपको सारी वीडियो खुल के आपके सामने आ जाएगी। हाँ, हमने पार्ट वन पार्ट टू करके बताया है, लेकिन एक एक सवाल बताया है, कभी कोई अभ्यास नहीं छोड़ा है, कभी कोई प्रश्न नहीं छोड़ा दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसी की कड़ी में हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 9A। और इस चैप्टर का नाम बता दें, इस चैप्टर का नाम क्या है, समांतर रेखाएं दोस्तों, अर्थात ये जो आप पाठ सीखने चल रहे हैं, इस पाठ का नाम है समांतर रेखाएं दोस्तों। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। चलिए हम आपको इसको स्पष्ट हम बताते हैं कैसे इसको हल करते हैं। देखिए कोई AB 5 सेंटीमीटर कोई रेखा खींच लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपको आपको दिखाते हैं कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो एक रेखा हम पहले खींचते हैं 5 सेंटीमीटर। देखिए कहा गया ना, इसमें साफ साफ लिखा गया है ना, कहा कि दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक AB रेखा खींचिए। तो ये हमने ऐसे, ठीक है, हमारे पास यही स्केल है दोस्तों, आपके पास जो भी स्केल हो आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या है, 5 सेंटीमीटर हम रेखा खींचते हैं। देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहीं था हमको आना है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए 5 सेंटीमीटर ये लिखा गया है, तो यहाँ से हम यहाँ तक आएँगे 5 सेंटीमीटर, ये हो गया पूरा, ठीक दोस्तों। अब इसका नामकरण कर देते हैं, नामकरण मतलब ये इसका नाम दे देते हैं, ये A है और ये B है। AB रेखा हमने खींच लिया जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब कहा दी हुई रेखा AB से, ये इस रेखा से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक AB समांतर रेखा खींचिए। तो AB समांतर रेखा कब होगा, जब इसके समांतर कोई रेखा 5 सेंटीमीटर दूर खींच दें। आप दूर का मतलब समझते हैं ना, दूर का मतलब किसी भी दिशा में आप लोग जो है इधर खींच दे चाहे इधर खींच दे, ठीक है ना, इससे 5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम 5 सेंटीमीटर जो है, मैं आपको दिखा दें 5 सेंटीमीटर जो है दूर कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये देखिए हम 5 सेंटीमीटर इससे दूर कर दे रहे हैं, इस रेखा से 5 सेंटीमीटर ये दूर कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं, और इसके समांतर रेखा हमको खींचना है तो ऐसे कर देंगे, देखिए, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर जो है इसी के समांतर, ठीक है, इसी के समांतर होने चाहिए दोस्तों, ठीक है, इसी के समांतर यहाँ पर आएगा और इसी के समांतर हम चिन्ह बना देते हैं यहाँ पर आएगा, ठीक दोस्तों। तो अब 5 सेंटीमीटर यही नाप लीजिए, ठीक है, अब यही 5 सेंटीमीटर जो है आप नाप ले लीजिए और इसके समांतर एक रेखा खींच लीजिए, है ना, ये 5 सेंटीमीटर आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस रेखा का नाम जो है कुछ भी रख दीजिए, मान लेते हैं ये AB लिख दिए ना, अब इसका नामकरण कर देते हैं AC और ये D है, ठीक है ना दोस्तों। AB और CD एक रेखा है, AB रेखा है और CD रेखा है। अब इस रेखा से अगर देखा जाए तो AB के समांतर, देखिए AB के समांतर जो है क्या होगा, CD होगा, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि CD के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया, क्या AB खींच दिया, बात एक ही हुई ना। अगर डिस्टेंस देखोगे कहीं भी तो 5 सेंटीमीटर ही निकलेगा, देखो नाप कर हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए ये रेखा और इस रेखा की लंबाई क्या है, यानी कि दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके से आप लोग जो है कर सकते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक। तो दोस्तों आपको स्पष्ट हम कर दें कि दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। AB के समांतर हम रेखा खींच दिए, क्या है इसका नामकरण कर दिया, क्या CD रख दिए। देखिए नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, ABCD FGS कुछ भी, PQR जो भी आपको लगे नामकरण कर दीजिए अपने से, ठीक है। और ये पहला सवाल हो गया, हम आपको ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। तो किसी दी हुई रेखा, हम मान लेते हैं रेखा, ठीक है ना, मान लेते हैं एक रेखा हमने खींच लिया, AB रेखा खींच लिया, ठीक है, और कह रहा कि किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु P से बिंदु से होकर जाने वाले एक समान रेखा,
हम इसके बाहर कोई बिंदु हम मान लेते हैं ये पी है, ठीक है दोस्तों, इसका नामकरण यहाँ बिंदु पी रख देते हैं, ठीक है। इसके समांतर एक रेखा खींच दीजिए बस, ठीक है। तो हम इसके समांतर एक रेखा हम खींचेंगे तो देखिए ऐसे बनेगा कुछ, ठीक दोस्तों, ऐसे बनेगा। तो मान लेते हैं ये बिंदु, मान लेते हैं कि इस ए बी रेखा के कोई रेखा है, इसके बाहर बिंदु पी है। अब पी के मतलब ए बी के समांतर एक रेखा हमने खींच लिया जिसका नाम है सी और डी, ठीक है दोस्तों। इसके इस रेखा के बाहर कोई बिंदु पी है, हमने माना इस रेखा के बाहर कोई बिंदु पी है और ए बी के समांतर हमने खींचना मतलब खींचना चाहा, तो कैसे खींचेंगे, इसके समांतर खींचेंगे। असमांतर का मतलब होता है समांतर, ठीक है, समानांतर। अर्थात जैसे कि रेल की पटरी आप लोग देखे होंगे ना, कभी गए होंगे देखे होंगे, तो रेल की पटरी की जो डिस्टेंस हो दूरी होती है वो सभी जगह एक समान होती है, कम ज़्यादा नहीं होती है, उसी को बोलेंगे समांतर बोलेंगे, ठीक दोस्तों। अब इसके इसके और इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, अर्थात ये दोनों रेखाएं कभी आपस में मिलेंगी नहीं, ठीक है दोस्तों। अंतर का मतलब होता है कि समान अंतर, अगर यहाँ भी अंतर वही डिस्टेंस से अंतर जो है 5 सेंटीमीटर या कुछ आए, हम आपको बता दें कितना अंतर है, ठीक है। अगर यदि आप चाहें तो हम देखिए लगभग ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक दोस्तों। तो 3 सेंटीमीटर का अंतर अगर यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर वही अंतर होगा, यहाँ पर भी अंतर होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं समांतर, ठीक है ना। समांतर का मतलब समान धन अंतर, ठीक दोस्तों। देखिए समान अंतर का मतलब होता है समान अंतर, समान धन अंतर, ठीक दोस्तों, समान धन अंतर, इसी को बोलते हैं समानांतर, ठीक है। तो समानांतर का मतलब समान अंतर, यानी इसी को बोलते हैं समांतर, ठीक दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में साफ साफ कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर डीई और एफजी रेखाखंड खींचे गए हैं, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, कितने समलंब हैं। समलंब समान लंब दोस्तों, ठीक है, समान लंब। अच्छा हम आपको यहीं पर इसी में मतलब ये फिगर जो दिया गया है इसी फिगर में हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए हमने कहा कि एक रेखा हमने ए बी खींचा, एक रेखा जब ए बी खींच लिया इस पर देखो कोई कितने लंब हैं ये बताओ। अगर यहाँ से देखें तो बी और सी भी बी सी भी एक लंब है, किस पर, ए बी पर, तो एक लंब यहाँ पर हो गया। और हम कहें थे कि ए बी एक रेखा है तो एक जो है इस पर भी लंब क्या है, डी ई है, तो ये भी हो गया, है ना, ये 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक रेखा ए बी है तो यहाँ पर ई और या वी क्या है, एक लंब दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, एक लंब ही तो है ना, समलंब, समलंब मतलब समान लंब, ठीक है ना, समलंब होता है, ये भी है। तो अब देखा जाए अब आगे कोई है नहीं, इसका मतलब कितने लंब है, 1 2 3 लंब है ना दोस्तों। अगर हम कह सकते हैं कितने समलंब हैं तो हम लोग बोल सकते हैं 3 समलंब हैं। अब बताइए कितने त्रिभुज हैं इस फिगर में, कितने त्रिभुज ये बताइए, हम आपको एक बता दे रहे हैं ही पर। देखिए एक त्रिभुज तो ये हो गया, बात समझिए, एक त्रिभुज ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया ना, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, और ये पूरा वाला त्रिभुज, देखिए एक पूरा वाला त्रिभुज, कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए ना। कहने का मतलब इस फिगर में, इस चित्र में जो है कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। देखो पहले वाले देखो, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का मतलब 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना, 3 भुजा से या 3 रेखा से, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो गया पूरा, और एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक है, ये पूरा, और एक ये जो है बड़ा वाला, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 हो गए ना, अब बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हाँ आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है ना, हमारे लिए बस आप इतना करिए कि एक लाइक और एक शेयर, हम आपसे बार बार यही कहते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। और हाँ आपको हम इतना विधिवत इसीलिए बताते हैं ताकि हमारे वीडियो को आप लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि पार्श्व चित्र में एल और एम 2 समांतर रेखाएँ तथा टी एक त्रियक रेखा है। देखो एल और एम समांतर रेखाएँ हैं, एल का मतलब ये देखिए ये रेखा, और एम का मतलब ये देखिए ये रेखा, ठीक है ना, एल और एम दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और टी क्या है, ये जो ये रेखा है ये टी है, एक त्रियक रेखा है। कहा जा रहा है यदि एक कोण एक बराबर है किसके 30 अंश,
कोण एक बराबर है किसके, 30 अंश, अर्थात ये जो कोण है ये कितने अंश का है, 30 अंश का है। तो कहा कि शेष कोणों अर्थात 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये एकदम इजी है दोस्तों, हम आपको एकदम हल करके एकदम अच्छे समझाना चाहते हैं। आइए हमारे साथ मिलकर इसको हल करते हैं पहले, ठीक है। तो इसको हम विस्तार करके हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आप क्या कीजिए, एक जो है फिगर जैसे यहाँ पर बना है वैसे आप भी बना लीजिए, क्योंकि जो है इसमें आपको इजी होगा समझने के लिए, ठीक है। एक हमने ऐसे रेखा खींचा यहाँ पर और एक रेखा हमने यहाँ पर ऐसे खींच लिया, ठीक दोस्तों, और एक तिर्यक रेखा चल रहे हैं खींचने के लिए ऐसे, ठीक है, तिर्यक रेखा ऐसे खींचने चल रहे हैं, एक रेखा तिर्यक ऐसे खींच लिए, ठीक दोस्तों। इसको आप आगे वही बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने रिकॉर्डिंग जो है इसे बढ़ा सकते हो, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये एक तिर्यक रेखा हो गई। देखिए ये इसका नामकरण हम कर देते हैं, ये जो रेखा है ये, ठीक है, इसका नामकरण हम कर देते हैं ये एल है, और ये जो रेखा है ये इसका नामकरण कर देते हैं ये एम है, ठीक है। और ये जो ये त्रिक जो काटी गई रेखा है इसको बोलते हैं क्या, टी, ठीक है। ये जो है रेखा टी जो है काटी है, फिगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है फिर भी आप लोग समझ लीजिए भाई, ठीक है। देखिए अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये कोण दिया गया है, कोण ये कितना है, ये एक है, ये कितना है, दो है, ठीक है, और ये तीन है, यहाँ पर कितना, तीन है, और यहाँ पर ये चार है, यहाँ पर कितना, चार है, और यहाँ पर ये पाँच है, ठीक है, और ये छः है, और यहाँ पर कितना, ये सात है, और ये कितना, आठ है, ठीक है। ये आपका जो है बन गया, फिगर बन गया, ठीक है। अब आपको अच्छे से इसको समझना है, कहा है साफ साफ कि यदि कोण एक बराबर 30 अंश, बस समझो, यदि कोण एक बराबर कितना दिया है, 30 अंश दिया है, तो ये बताओ कोण एक बराबर कोण पाँच होगा कि नहीं होगा। आप लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे, कोण एक बराबर पाँच होगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं साफ साफ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, विथ रीजन। देखो कोण एक बराबर क्या होगा, कोण पाँच होगा दोस्तों, ठीक है ना, और कोण पाँच होगा, और कोण एक बराबर कितना दिया है, 30 अंश, तो कोण पाँच बराबर भी क्या होगा, 30 अंश होगा, क्यों क्यों होगा बताओ, क्योंकि ये संगत कोण है दोस्तों, ठीक है, ये कौन सा कोण है, संगत कोण। अब जानते हो संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत पालिएगा, जितना कोण एक होगा उतने कोण पाँच होगा, ठीक है, अब बस समझ में ना दोस्तों। अब आपको बताते हैं, देखिए कोण एक और कोण पाँच जो है आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब देखिए कोण दो कितना होगा, हम बताते हैं आपको। देखो यदि कोण एक, ये बताओ कोण एक और कोण दो का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, कैसे, हम आपको बताते हैं। देखो क्योंकि कोण एक और कोण हम दो को मिलाएंगे तो 180 अंश प्राप्त होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, क्यों, क्योंकि एक रुज रेखा है, और इस इतना पूरे का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कोण एक का मान कितना दिया, 30 अंश दिया है, हमें बताओ कि 30 अंश दिया है, हमको कोण टू का मान नहीं पता है, बराबर 180 अंश है, तो बताओ 30 अंश प्लस में है ना, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, कोण टू बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो कोण टू बराबर कितना हो जाएगा, कोण टू बराबर कितना हो जाएगा, ये बताओ भाई, कोण टू बराबर कितना हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 30 घटा दोगे तो आए कितना, 150 अंश हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ है कि कोण टू का जो मान हुआ वो कितना हुआ, 150 अंश, और कोण पाँच का मान कितना हुआ, कोण पाँच का मान कितना हुआ, कितना हुआ बताओ, 30 अंश हुआ। तो कहने का मतलब सीधे सीधे, अब कुछ करण नहीं है, अगर यहीं से आप लोग चाहो तो यहीं से सब आंसर निकल सकता है, सभी के सभी आंसर निकल सकता है, बात समझे कैसे, हम बात को बताते हैं। देखो ये बताओ, ये जो कोण टू होगा, हमें बताओ कोण जब टू जितना होगा उतना कोण छः होगा, ठीक है ना, बोलो अगर कोण एक के बराबर कोण पाँच है तो कोण टू के बराबर कोण छः भी तो होगा ना, अर्थात कोण टू कितना है, कोण टू 150 अंश है, तो कोण सिक्स भी इसी प्रकार ऐसे लिख सकते हो, आप साफ साफ ऐसे लिख सकते हो कि इसी प्रकार कोण सिक्स बराबर कितना होगा, 150 अंश होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हम आपको बताते हैं। देखो
बात समझना अच्छे से। देखो अब आप यहीं से देख कर बता दीजिए कितना आंसर ये वाला होगा। जब ये जो है कोण दो, कोण जब 150 आंसर है तो कोण की तीन कितना होगा, कोण जब तीन जो होगा वो कितना होगा, 30 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 150 अंश है तो ये 30 अंश होगा, क्योंकि 150 और 30 अंश जब जोड़ेंगे तभी तो 180 अंश बनेगा ना, तभी तो एक रेखा इधर घूमेगी ना, यानी कि ये रेखा जो है कितना 180 अंश बनेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोण तीन बराबर जो है, कोण तीन बराबर कितना हो जाएगा, कोण तीन बराबर जो है 30 अंश हो जाएगा। अब बताओ चार वाला कितना होगा, चार कोण देखो यहाँ पर 30 अंश है तो यहाँ पर कितना अंश होना चाहिए, 150 अंश होना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोण चार बराबर कितना हो सकता है, ये बताओ कोण चार बराबर कितना हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा। इधर का पूरा सब हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया। अब चलो नीचे देखो कोण पाँच, देखो कोण पाँच तो आपको पता है दिया है यहाँ पर कोण पाँच बराबर 30 अंश। अब कोण छः बराबर कितना हो जाएगा, जब ये 30 अंश है तो ये छः कोण छः कितना हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा, है ना। कोण जो है इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि कोण छः बराबर कितना अंश हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा। अब छः हो गया, अब सात देखो सात कितना होगा, कोण सात कितना होगा, ये 30 अंश होगा। क्यों, क्योंकि अब जब ये 150 अंश है, ये जो 150 अंश है तो ये कितना अंश होगा, 30 अंश होगा, है ना। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कोण सात बराबर कितना हो जाएगा, कोण सात बराबर ये 30 अंश हो गया। अब कोण आठ बराबर कितना अंश होगा, जब ये कोण सात जो है 30 अंश हो गया, कोण आठ कितना हो जाएगा, कोण आठ कितना अंश होगा, 150 अंश होगा। बस तो ऐसे इतना तो समझ जाओगे आप ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आया है तो एक लाइक और एक शेयर तुरंत कीजिए। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पार्श्व चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है तथा ए बी सी कौन कौन, देख दिखाते आपको ए बी सी भाई एक त्रिभुज तो दिया गया है, सही बात है, तथा बी डी जो बी और डी है, बी और डी है भुजा, तथा बी डी भुजा ए सी, बी डी जो है ए सी की क्या है, समांतर दिया गया है, अर्थात ये जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा क्या है, समांतर दिया गया है, ठीक है। अब कहा कि तो और आगे कि कोण ए सी बी बराबर 30 अंश, कोण ए सी बी अर्थात ये वाला कोण कितना दिया है, 30 अंश दिया है, ठीक है। अब कोण जो है, कोण ए बी डी, ए बी डी अर्थात ये वाला कोण, ये कोण कितना दिया है, 28 अंश दिया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, देखो कोण ए बी सी, ए बी सी अर्थात ये वाला आपको कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी सी और कोण डी बी के, डी बी के अर्थात ये वाला भी कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या कहा कि कोण बी ए सी, बी ए सी अर्थात जो ये वाला कोण, अर्थात जो आप लोग समझ गए होगा कि जो बीच में रहता है, जैसे कोण ए बी सी लिख दिया तो इस कोण की बात हो रही है, कोण ए की बात हो रही है, जो बीच में रहेगा उसी कोण की बात होती है, ठीक है ना। चलिए अब आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है, अर्थात के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले तो आइए हम इसको बनाते हैं पहले, ठीक है ना, फिगर को ड्रा करते हैं। हम कोशिश करेंगे पहले हम पेंसिल से बनाएं, क्योंकि फिगर मेरा कभी कभी गलत भी हो जाता है बनाने में। देखिए हम एक ऐसे रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, ऐसे एक रेखा हमने खींच लिया और इस पर हमको समांतर बनाना है, ठीक है। एक समांतर रेखा ऐसे खींच लेते हैं या इसको ऐसे खींच लेते हैं, एक समांतर रेखा हम ऐसे खींच लेते हैं पहले, ठीक है। ये देखिए समांतर रेखा हमने ऐसे खींचा और इसके समांतर हमको बनाना है तो ऐसे खींचेंगे, इसके समांतर होना चाहिए, इसके समांतर होना चाहिए, इसके समांतर तो ये रेखा ऐसे आ रही है, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं ऐसे यहाँ पे, इसको आगे हम ऐसे मिला भी सकते हैं क्योंकि समांतर दिखाना है हमें, ठीक है। ये समांतर रेखा है तो अब इसको और यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। देखिए जो है हमारा तिरछा होना चाहिए लेकिन तिरछा नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा कि हमने यही फिगर बनाया है, ठीक है, हमने यही फिगर बनाया है जो आपके बुक में है दोस्तों। ये थोड़ा सा और इसको लेटाना चाहिए, एक बार रफ कर देते हैं हम। देखिए इसको हम ऐसे रफ करके फिर से बनाते हैं ताकि अच्छे से बने। देखिए हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों, हम कलाकार नहीं हैं,
ये देखिए इसको हम और नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये है तो ये यहाँ तक है, ऐसे जाएगा, इसको ऐसे जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। और इसको आगे हम ऐसे मिला देते हैं, आगे करके ऐसे इसको हम मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब ये कुछ लग रहा है, ठीक है, अब देखो कुछ लग रहा है ना। चलिए इसी में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए लगभग बन गया है मेरा, तो ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये के है, ठीक है, और ये क्या है आपका डी है। ए बी सी डी सब बन गया है। तो क्वेश्चन में आपके दी ये जो है क्वेश्चन में दिया है कि ए सी बी अर्थात ये वाला जो कोण है, ये कोण कितना दिया है, 30 अंश दिया है, ठीक है। और ये भी कोण दिया है, कौन कितना अंश दिया है, 28 अंश दिया है। बस समझिएगा हमारे अच्छे से, ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है, देखो क्या क्या आपको निकालना है, अर्थात इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है और इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है और इसको भी ज्ञात करना है आपको, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आपको हल करके दिखाते हैं। चलिए समझिए, कहा है क्वेश्चन में कि कोण ए सी बी बराबर 30 अंश। चलिए यही से हम उठाते हैं जो दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वही उठाते हैं, कोण ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी बराबर कितना है, 30 अंश है। तो ये बताओ कोण ए सी बी जो 30 अंश होगा तो यही कोण तो ये वाला होगा ना, क्योंकि ये जब समांतर रेखा है तो अभी आपने संगत कोण पढ़ा ना। यदि आप लोग संगत कोण ना जानते हो तो जान लो कि जब एक समांतर रेखा से एक ही दिशा में जब बनता है तो संगत कोण बोलते हैं, इसी इसी समांतर रेखा। अर्थात मान लीजिए एक समांतर रेखा ये है, समांतर रेखा ये, दोनों ये दोनों समांतर रेखा है, ये इसके ये जो रेखा है इसके समांतर है, तो इससे बनने वाला कोण भी क्या होगा, समान होगा। अर्थात कहा साफ साफ कि कोण अर्थात रेखा ए सी, हम आपको बता दें ए सी समांतर किसके है, डी बी के है, इसलिए इस कोण के बराबर भी ये कोण होगा, अर्थात इस कोण के बराबर क्या होगा, इस कोण को होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण क्या, कोण जो है डी बी के, ठीक है ना, डी बी के बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब कोण डी बी के निकल आया, डी बी के कोण क्या है, निकल के आ गया आपके सामने, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब आपको समझ में आ गया कि डी बी के कोण जब 30 अंश हो गया ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको रीजन दिखाना है कि ऐसा क्यों हुआ तो लिख दिया करो कोष्टक में, संगत कोण है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा कोण है ये, किस कोण से ये कोण जो है बराबर हुआ, कि ये संगत कोण से बराबर हुआ है, ठीक है। चलिए हम आपको और बताते हैं। अब आपको निकालना है ये वाला कोण, ठीक है। ये बताओ ये कोण दे रखा है तो आप जानते हो कि पूरा ये कोण जो होगा यहाँ से यहाँ तक, चलो हम आपको बताते हैं, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 अंश होगा। तो ऐसे ना कर दो, हमको जो है कोण बी नहीं पता है तो इन दोनों को जोड़कर 180 में घटा देंगे तो कोण बी आ जाएगा। चलिए वही हम करने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कर दे रहे हैं, कोण अर्थात कोण ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी निकालना है। चलो हम टोटल के 180 अंश कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कोण ए बी सी, ए बी सी प्लस कोण डी बी ए, डी बी ए प्लस कोण डी बी के, ठीक है ना। कोण डी बी के बराबर कितना, सुन सुनिए 180 अंश होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए कि नहीं ये बताओ आप, क्योंकि ये जो आप लोग समझते हो ना कि ये पूरा कितना अंश है, 180 अंश है। तो जो जो पता है आपको पहले उतना निकाल लो। अब ये कोण आपको पता है कितना अंश है, ये 30 अंश है, तो ये भी कितना, 30 अंश है, ठीक है। चलो तो बताओ ए बी सी, ए बी सी आपको बी ये कोण निकालना है, चलो ठीक है इसको ऐसे रहने दो। कोण ए बी सी आपको निकालना है, इसको हमको कुछ नहीं किया हमने। डी बी ए, डी बी ए अर्थात ये 28 अंश है, ठीक है, ये कितना अंश है, ये 28 अंश है, तो इसके जगह 28 अंश लिख दिए। डी बी के, डी बी के अर्थात ये कितना अंश है, 30 अंश है, ये 30 अंश हो गया, बराबर कितना अंश है, 180 अंश है। तो ये बताओ
ये 2830 कितना हो जाएगा बोलो, 2830 कितना हो जाएगा, 58, 58 प्लस में है ना, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कोण ऐसे लिख दे सकते हैं कोण ए बी सी बराबर 180 अंश से माइनस 2830 जोड़कर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 अंश, ठीक है ना, 58 अंश हो गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोण क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर कितना अंश हो जाएगा बोलो, ए बी सी जब हटाएंगे तो 122 अंश निकल आएगा। कैसे देखो, पहले देखो यहाँ पर 10, 10 में से 8 गया 8 2 आएगा, यहाँ पर 7, 7 में से 5 गया 2 आएगा, इसका मतलब ए बी सी निकल के आ गया, ठीक है। देखो जो जो उन्होंने कहा था वो हम लोग निकाल ले रहे हैं, अब बात समझ आ गई आपको, चलिए ये बात समझ आ गई। अब हमको निकालना है, ये भी निकल के आ गया, ये भी निकल के आ गया, हमको ये निकालना है। चलिए हम आपको बताइए, ऐसे साफ साफ बताइए हमें कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 30, 180 अंश होगा ना बोलो। ऐसे चलिए हम आप सबको साफ साफ लिख दे रहे हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान, ठीक है ना, ऐसे लिख दे रहे हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान, अंतः कोणों का जो मान होगा, अंतः कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। चलो तो आपको क्या क्या पता है ये बताओ, कोण बी पता चल गया 122 अंश, कोण सी पता चल गया 30 अंश, हमको ए निकालना है। चलो हम ऐसे ज्ञात करते हैं, देखो ऐसे कर देते हैं, कोण ए सी, देखो कोण ए सी, देखो तीनों को हम कोण जोड़ेंगे, ए सी बी, ए सी बी प्लस कोण क्या सी बी ए, सी बी ए और प्लस कोण क्या बी ए सी, कोण बी ए सी कितना अंश होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं ये बताओ, ठीक है ना, इतना समझ आएगा हो गया। अब बताओ कोण ए सी बी, ए सी बी ये सी वाला कोण कितना है, 30 अंश है, तो इसके नीचे 30 अंश लिख दिए, कोण सी बी ए, सी बी बी मतलब क्या है, बी कितना निकला है अभी, तो बी हम निकाले हैं कोण कितना, कोण ए बी सी मतलब क्या, बी वाला कोण कितना, 122 अंश है, तो हम लिख दे रहे हैं क्या, 122 अंश, ठीक है 122 अंश है, और हमको ये कोण निकालना है, अर्थात कोण बी ए सी निकालना है बराबर 180 अंश है, ठीक है। तो 122 अंश और 30 अंश, ये बताओ 122 अंश और 30 अंश कितना अंश होगा, ये बताओ हमें 122, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 2 और 3 2 कितना 5, यानी कि 152 अंश निकलेगा, कितना निकलेगा 152 ये हो जाएगा, और प्लस कोण बी ए सी बराबर कितना 180 अंश है ना। अब हमें देखो ये प्लस में ना उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कोण इधर क्या बचेगा, कोण बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस कितना 152 अंश, 152 अंश है ना बोलो। तो कोण कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर 180 में से 152 अंश निकाल देंगे, कितना निकलेगा 28 अंश निकलेगा बस, है ना। तो यही तो आपका आंसर है दोस्तों, हमें संभवतः ये हम आपको बता दें, कोण हमने सभी कोण निकाल कर बता दिए आपको, देखो ए बी सी निकाल के बता दिए, ए बी सी और बी ए सी और डी बी के, यानी तीन कोण पूछा था, तीनों कोण हमने बता दिया आपको। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि हमने कोई स्टेप मिस नहीं किया दोस्तों, हर संभव तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। तो बस एक लाइक और एक शेयर, एक लाइक और शेयर जी कर दीजिए आप, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों, देखिए क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि पार्श्वचित्र में आर लंब है, यानी कि ये जो लंब चिन्ह है, लंब का चिन्ह है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आर लंब है पी, ये जो आर लंब है ये पी पर, ठीक है ना, ये जो दोनों समांतर रेखा है इस पर लंब है, और कह रहा है आर लंब है क्यू पर, इस पर भी लंब है, तो कह रहा कि क्या पी समांतर क्यों होगा, जो ये रेखा होगी ये लंब है क्यों पर भी और पी पर भी, इसलिए पी और क्यों दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का कोण भी क्या होगा, समान होगा, इसलिए, ठीक है ना। तो यदि आपको जो है फेयर कॉपी में लिखना है तो कैसे लिखोगे, लिख दो ऐसे लिखो जैसे हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, चलो ठीक है, कि फर्स्ट यानी 6 का फर्स्ट कैसे लिखोगे, हाँ ये समांतर होगा, यानी कि समांतर होंगी, समांतर होंगी या होंगे, ठीक है होंगे,
क्यों, अब बोला क्यों ना, तो बोल दो क्योंकि, ऐसे लिखो साफ साफ क्योंकि, क्योंकि संगत कोण क्या होता है, समान होता है ना, बोलो क्यों संगत कोण क्या होता है, समान होता है, क्यों, क्योंकि संगत कोण क्या होता है, समान होता है, इसलिए जो है समांतर होंगे, समान होता है, संगत कोण क्या होता है, समान होता है, ठीक है। इतना साफ साफ जो है फेर कापी में आप भी लिखोगे, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है कि यदि पी समांतर क्यों, यानी पी क्यों समांतर हैं तथा कोण एक बराबर कितना 63 अंश, कोण एक जो कोण एक बराबर 63 अंश होगा तो कोण टू कितना होगा। भाई जब अभी साफ साफ बोला कि संगत कोण है तो ये और ये कोण एक और कोण दो क्या होगा, संगत कोण होगा। तो ऐसे आप साफ साफ यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोण यानी दूसरे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर यानी कि 6-2 में लिख दो कोण एक बराबर कोण दो होगा, और एक का मान कितना दिया 63 अंश है, तो कोण दो का मान भी क्या होगा 63 अंश होगा ना, क्यों, क्योंकि लिख दो संगत कोण है, क्या है संगत कोण है, ठीक है ना, लिख दो क्या है संगत कोण है, ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब जो जितना कोण एक होगा उतना कोण क्या होगा दो भी होगा, ठीक है, तो आंसर जो है कोण दो का मान भी जो है 63 अंश ही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में हमने पूरा कोशिश किया है कि यह अभ्यास पूरा जो हमने कंप्लीट कर दिया, अर्थात पूरा अभ्यास बताकर समाप्त कर दिया। और हम आपको प्रश्नावली, देखिए आपको ख़त्म हुआ है प्रश्नावली 9A, तो प्रश्नावली 9 का भी अगर तुरंत अभी देखना है तो इंड स्क्रीन में जो भी वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट में क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में ही सभी जो है वीडियो, सभी पार्ट, सभी अभ्यास जुड़ता जा रहा है, ठीक है। यदि कोई अभ्यास आपको नहीं आता है तो पहले अभ्यास का नाम लिखिए, बाय इंजॉय विद हर सिंह बोल दीजिए, आंसर आपके सामने जितने भी वीडियो होगी खुल के आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।